हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग। जी हां, चीन के इरादे नापाक, इंडिया के साथ खड़े हैं। हम बताएंगे दोस्तों पाकिस्तान के बाद अब अमेरिका की ड्रैगन को सीधी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने क्लियर कह दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं, ब्रेकिंग खबर बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे जहां इमरान खान को उसकी पाकिस्तानी आर्मी ने भी दे दिया तगड़ा झटका, कह दिया बॉर्डर पर स्थिति ठीक नहीं है, चुनाव में जवान तैनात नहीं कर सकते। बताएंगे दोस्तों जवानों को लेकर भी खस्ता हालत है पाकिस्तान की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी से नफरत करने वाले राहुल गांधी को लेकर स्मृति ईरानी ने जो जवाब दिया है दोस्तों, वो भी आपको सुनवाएंगे। तो हर तरह की जानकारी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि अपनी भारतीय सेना विश्व में नंबर वन सेना है, तो इस वीडियो भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिका ने कहा अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है, चीन एलएसी पर हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है और वो इंडो पैसिफिक के लिए भी खतरा बता दें। अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच मैकमोहन लाइन को अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के तौर पर मान्यता दे दी है। अमेरिकी सीनेट में पास हुए एक प्रस्ताव में अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया गया है। बिल को सीनेट यानी अपर हाउस में लाने वाले सांसद बिल हैगर्टी और जैक मर्कले ने कहा कि चीन लगातार इंडो पैसिफिक क्षेत्र में खतरा पैदा कर रहा है, ऐसे में यह जरूरी है कि अमेरिका अपने रणनीतिक साझेदार और खासतौर पर भारत के साथ खड़ा रहे। उन्होंने ये बिल अरुणाचल प्रदेश को स्पष्ट रूप से भारत के हिस्से के रूप में मान्यता देता है। चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर अभी जो स्थिति है उसे बदलने की कोशिश कर रहा है और हम इसकी निंदा करते हैं। हम लगातार भारत और क्वाड देशों के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाने के पक्ष में हैं, जिससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति बनाई जा सके। इस प्रस्ताव में अमेरिका ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीन के उकसावों की निंदा की है। उन्होंने चीन के सैन्य बल का इस्तेमाल करने, विवादित क्षेत्र में गांव बसाने, स्थानीय शहरों का मैंडरीन यानी चीनी भाषा में नाम रखने और मैप पब्लिश करने की भी निंदा की है। इसके साथ ही उन्होंने भूटान में भी कई क्षेत्रों को चीन का हिस्सा बताने को गलत ठहराया है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा प्रस्ताव में चीन की तरफ से बढ़ते खतरों के बीच अपने बचाव में उठाए गए कदमों के लिए भारत सरकार की सराहना की गई है। इसके अलावा रेजोल्यूशन में भारत अमेरिका के बीच डिफेंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बहरहाल दोस्तों, अमेरिका ने खुले मंच से कह दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हम ये कहने से बिल्कुल नहीं हिचकते, क्योंकि वास्तव में अरुणाचल भारत का ही अभिन्न हिस्सा है। बहरहाल दोस्तों, अमेरिका के सीनेटर को थैंक यू कहना तो बिल्कुल आप लोग मत भूलिएगा कमेंट के माध्यम से, लेकिन दोस्तों अमेरिका के साथ आप भी ये बात कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां बॉर्डर पर स्थिति ठीक नहीं, हम चुनाव में जवान तैनात नहीं कर सकते। जी हां, इमरान खान को पाकिस्तानी आर्मी ने दे दिया तगड़ा वाला झटका। बता दें पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो दूसरी ओर उन्हें पाकिस्तानी सेना से भी झटका लगा है। पाकिस्तान की सेना ने चुनाव में जवानों की तैनाती से इनकार कर दिया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि देश में बॉर्डर पर स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में चुनाव के दौरान सेना के जवानों की तैनाती नहीं की जा सकती। पाकिस्तान में जल्द चुनाव की मांग कर रही इमरान की पार्टी PTI के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को चुनाव आयोग को बताया है कि देश की मौजूदा स्थिति की वजह से चुनाव में सेना की तैनाती नहीं की जा सकती। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सीमा और देश की सुरक्षा सेना की पहली प्राथमिकता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा विधानसभाओं में चुनाव आयोग की बैठक हुई, इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा सहित सारे एक साथ शामिल हुए और इस दौरान रक्षा मंत्रालय की ओर से आयोग को देश की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। लेकिन दोस्तों इस खबर से एक चीज तो अवश्य पता चलती है कि पाकिस्तानी सेनाओं के हालत दोस्तों खस्ता हैं। उनके पास इतनी सेना नहीं है कि वो चुनाव में लगा सके और बॉर्डर पर भी रख सके, और पाकिस्तान को ये डर है कि अगर चुनाव होते हैं तो बॉर्डर पर कहीं हमले ना हो जाए। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को ये तक नहीं पता कि तुम्हारी सेना बॉर्डर पर खड़ी रहेगी, उसके बावजूद भी तुम भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर भारत अपने पर आ गया तो। बहरहाल आप लोग जवाब देना मत भूलिएगा पाकिस्तान को, लेकिन आगे से भारत कभी किसी पर वार नहीं करता और यही भारत की सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों, और इसी वजह से आज भारत निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। अगर आप भी मानते तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां काला सागर में क्या कर रहा था अमेरिकी ड्रोन जिसे रूसी फाइटर एयरक्राफ्ट से हुई टक्कर। बता दें काला सागर यानी ब्लैक सी में रशिया ने अमेरिका
अमेरिका के ड्रोन को डुबा दिया है। इस घटना पर दुनिया के हर छोटे बड़े देश की नजरें हैं। सभी आगे होने वाली प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। जिस काला सागर में अमेरिकी ड्रोन को गिराया गया है उसकी सीमा रशिया और यूक्रेन के अलावा तुर्की, बुल्गारिया, जॉर्जिया और रोमानिया से भी लगती है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अमेरिका का ड्रोन काला सागर में आखिर क्या कर रहा था और आखिर अमेरिका के किस ड्रोन को रूसी फाइटर जेट्स ने मार गिराया। रशिया के सुखोई Su-27 ने अमेरिका के जिस MQ-9 रिपर ड्रोन को काला सागर में गिराया है उसका इस्तेमाल निगरानी यानी जासूसी करने के लिए किया जाता है। इसे अमेरिका की डिफेंस कंपनी जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स ने बनाया है और ये एक अनमैंड एरियल व्हीकल यानी UAV है जिसे प्रीडेटर बी भी कहा जाता है और इसे ज्यादातर लंबी दूरी की उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। MQ-9 रिपर ड्रोन का इस्तेमाल अमेरिका की वायुसेना करती है। जिस ब्लैक सी पर दोस्तों ये घटना हुई है वहाँ अमेरिका के साथ साथ नाटो के फाइटर एयरक्राफ्ट भी लगातार उड़ान भरते रहते हैं। रशिया यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से फाइटर जेट्स का मूवमेंट और ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग में पहली बार अमेरिका और रशिया का सीधे तौर पर आमना सामना हुआ है। आमतौर पर रशिया के फाइटर जेट यहाँ लगने वाली यूक्रेन की हवाई सीमा से दूर ही उड़ान भरते हैं। आपको बता दें इस पर अमेरिका ने क्या दावा किया है वो जानना बेहद जरूरी है दोस्तों, क्योंकि स्टेटमेंट दोनों तरफ से सुनना बहुत जरूरी होता है निष्कर्ष निकालने के लिए। तो आपको बता दें अमेरिका ने यानी वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के वरिष्ठ सेना अधिकारी जनरल जेम्स बी हेकर ने घटना के बाद कहा कि हमारा MQ-9 रिपर ड्रोन अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में नियमित उड़ान भर रहा था। रूसी विमान ने इसे इंटरसेप्ट करके इसे हिट किया। इस झड़प में MQ-9 को काफी नुकसान पहुंचा और उसे पानी में ही डुबाना पड़ा। हेकर ने यह भी दावा किया है कि इस दौरान रशिया के दोनों Su-27 विमान भी क्षतिग्रस्त हो गए। जी हां दोस्तों, अब रशिया का पक्ष क्या था वो आपको बता दें। पेंटागन के प्रवक्ता और वायुसेना के ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने बताया कि रशिया के दोनों Su-27 को MQ-9 के पास पहली बार ड्रोन के समंदर में सामने से करीब 40 मिनट पहले देखा गया। हालांकि राइडर के इस दावे का रशिया ने पूरे तरीके से खंडन कर दिया और रशिया के रक्षा मंत्रालय ने अपने दावे में कहा कि ऊंचाई से गिरकर समुद्र में समाने से पहले अमेरिका का ड्रोन अनियंत्रित उड़ान भरते हुए नजर आया था। बहरहाल दोस्तों, आपकी जो भी इन पर निजी राय होने वाली है हमने पूरी खबर आपको बता दी। आप क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर चाइना के खिलाफ ताइवान की बहुत बड़ी तैयारी। स्वदेशी सैन्य ड्रोन का किया प्रदर्शन, बढ़ाएंगे सैन्य ताकत। बता दे ताइवान राज्य के स्वामित्व वाले एक सैन्य हथियार डेवलपर ने मंगलवार को 5 नए प्रकार के स्वदेशी सैन्य ड्रोन का प्रदर्शन किया और ये स्वशासित द्वीप चीन की तरफ से बढ़ते सैन्य खतरे के खिलाफ अपनी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना चाहता है। नेशनल चुंगशान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ताइवान के हथियार डेवलपर ने 8 प्रकार के स्थानीय रूप से विकसित मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV प्रदर्शित किए, जिनमें वे 5 मॉडल भी शामिल है जो पहली बार जनता को दिखाए गए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर इमरान खान पर बरसी मरियम नवाज, कहा कैसा नेता, गिरफ्तारी से बचने के लिए बिस्तर के नीचे छिपा बैठा है। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस और उनके समर्थकों के बीच बुधवार को दूसरे दिन भी झड़प की जारी है और इमरान खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना आखिरी दांव खेलते हुए कहा है कि वो आगामी 18 मार्च को अदालत के समक्ष पेश होंगे। और इस पूरे घटनाक्रम पर सत्ताधारी गठबंधन में शामिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वरिष्ठ उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने इमरान खान को निशाना बनाते हुए कहा है कि चोर और डकैत गिरफ्तारी से डरते हैं, नेता नहीं। जी हां, मरियम ने कहा है कि इमरान खान गिरफ्तारी से बचने के लिए बिस्तर के नीचे छिप गया है। मंगलवार को शेखुपुरा में PMLN के एक सम्मेलन में बोलते हुए मरियम ने अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का हवाला देते हुए कहा कि जब नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाना था तब वो छिपे नहीं थे, यहाँ तक कि खुद की गिरफ्तारी के लिए अदालत आ गए थे जबकि इमरान खान अपने बिस्तर के नीचे छिपे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, क्या वास्तव में आपको भी यही लगता है कि इमरान खान ने गलत किया है। बात करें दोस्तों एक और खबर की, जहां PM से नफरत अब देश के प्रति नफरत में बदल गया। जी हां, स्मृति ने राहुल गांधी पर बड़ा पलटवार करते हुए कहा कि राहुल ने विदेश में भारत को बदनाम किया है। जी हां, राहुल गांधी की प्रधानमंत्री के प्रति नफरत अब देश के प्रति नफरत बन गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विदेशी धरती पर देश के संबंध में दिए गए बयानों पर राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे देश का दौरा करके विदेशी शक्तियों का आह्वान किया जिसका इतिहास भारत को गुलाम बनाने का रहा है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तहस नहस करते हुए राहुल गांधी ने खेद जताया कि विदेशी ताकतें आकर भारत पर हमला क्यों नहीं करती। स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं, आपने विदेश में कहा कि आपको देश के किसी भी विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय में बोलने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा है तो 2016 में जब दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाया गया था तो आपने इसका समर्थन किया था, वो क्या था? जी हाँ, साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर देश को बदनाम किया, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का अपमान किया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या भारत को अपमानित करना लोकतंत्र है, क्या सदन के सभापति का अपमान करना लोकतंत्र है? स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत राहुल गांधी से माफी की मांग करता है। अगर आप भी मानते राहुल गांधी को वास्तव में माफी मांगनी चाहिए दोस्तों तो कमेंट में ये बात जरूर लिखिएगा। बहरहाल ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर तनिक भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।